आजकल के गर्मी में दोस्तों बाइक में जाते जाते अगर ट्रैफिक में फंस गए तो जितना हम परेशान हो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा परेशान तो दोस्तों आज के पूरे दिन मार्केट ने हमें कर दिया। लेकिन जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं उन लोगों का हैप्पी एंडिंग हो गया। 20,000 से ज्यादा प्रॉफिट, 8,000 से ज्यादा प्रॉफिट। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, उस लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन बटन पर जाके क्लिक कीजिए। क्योंकि आज के दिन आपने सोचा होगा कि यार मार्केट इतना साइडवेज है, प्रॉफिट कैसे हुआ। डेफिनेटली दोस्तों होगा। 936 पे ही एक ही मैंने व्यू दिया था, सिर्फ एक ही व्यू दिया था कि 18,620 के नीचे अगर निफ्टी जाएगा देन डेफिनेटली हमें सेल करना है। उसके बाद आप देखिए दोस्तों बहुत बार कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ, लेकिन आखिर में जैसे ही लेवल यहां पे सस्टेन किया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और जो डाउन साइड का मोमेंटम था उसको जो लोग फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं उन लोगों ने कैच किया, प्रॉफिट भी कमाया। मैं मानता हूं बहुत ही साइडवेज और पकाऊ मार्केट था आज का, क्योंकि बैंक निफ्टी तो आपका दिमाग खराब किया होगा, लेकिन निफ्टी में जो थोड़ा डाउन साइड का मूव आया ना दोस्तों उसको ब्यूटीफुली हमने कैच किया। तो जाके अभी कभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मिस मत कीजिए। मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो हम हमेशा से एनालिसिस करते हैं, आखिर में क्या हो सकता है वो देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज का जो ऑप्शन चेन है वो स्पेशल है, क्योंकि दोनों तरफ से झगड़ा हो चुका है। ऑलरेडी कॉल राइटर और पुट राइटर कहीं ना कहीं झगड़े का ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि नीचे से 22 लाख से ज्यादा पुट राइटर, ऊपर से अगर देखेंगे दोस्तों 20 लाख से ज्यादा कॉल राइटर। तो मजा तो आएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन चेन यहां पे देखिए 42,000 से ज्यादा पुट राइटर, 71 लाख से ज्यादा पुट राइटर, तो बहुत अच्छा खासा कहीं ना कहीं झगड़ा होने वाला है। तो मंडे के दिन गैप अप खुलेगा, गैप डाउन क्या कहानी रहेगा सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना यार, आज से कट्टी आप लोगों से दोस्ती रखनी नहीं यार, 10 सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो अभी के अभी, 10 लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि यार चाहता हूं आप लोग प्रॉफिट कीजिए, इसलिए तो बार बार चिल्ला के बोलता हूं जाके फ्री वाले ग्रुप जुड़ जाइए। तो चलिए सीधा हम चालू करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा खासा आज का एनालिसिस रहेगा, ध्यान से देखिए वीडियो को, समझने के लिए बहुत कुछ है। देखिए मंडे के लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, पहले तो मार्केट एक रेंज के अंदर है, यहां पे दोस्तों छोटा टारगेट हम मंडे के दिन लेने के लिए कोशिश करेंगे, यानी कि पहला हमारा व्यू रहना चाहिए सेलिंग के लिए। अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट या फिर लिटिल गैप अप खुला, फ्लैट या फिर लिटिल गैप अप, ध्यान समझिए यहां पे, या फिर थोड़ा सा लिटिल गैप डाउन भी अगर खुला तो भी चलेगा, लेकिन मंडे के दिन यही कंडीशन पे मार्केट अगर खुला और 43,940 इस लेवल के नीचे आना चालू किया, छोटू सा टारगेट 43,854 तक आप रख सकते हैं। इसके पीछे मैं आपको रीजन लॉजिक बता देता हूं, आपको ये तो समझ में आ गया कि ठीक है भाई, मतलब फ्लैट है फिर थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा सा गैप डाउन खुल के जैसे ही 43,940 के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट या फिर 120 पॉइंट टारगेट के लिए हम कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, ध्यान से अगर देखेंगे दोस्तों ये कल का क्लोजिंग है, ध्यान से देखिए, यानी कि कल के दिन यहां पे लो मारा था मार्केट ने और यहां से आखिरी मोमेंट पे थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिया था, ठीक है। 43,940 का लेवल को आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये पहला सपोर्ट कल के दिन बना। आज के दिन अगर देखेंगे दोस्तों, कल के दिन यहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर गया था, आज के दिन देखिए मार्केट यहां पे खुला, थोड़ा सा नीचे आया, डॉट यहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया एंड देन अप, करेक्ट। तो यहां पे एक बार कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, यहां पे दो बार कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और आखिरी मोमेंट पे अगर देखेंगे तो इसी सपोर्ट जोन के आसपास आके मार्केट यहां पे दे दिया क्लोज। यानी कि आपको ये क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा सीधी सीधी बोलने का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो सपोर्ट है ये पहले तो गुरुवार के दिन, कल के दिन टेस्ट हुआ, आज के दिन भी कहीं ना कहीं टेस्ट हुआ, आखिर में भी टेस्ट हुआ, यानी कि यही सपोर्ट 1, 2, 3 बार टेस्ट हो चुका है। तो मंडे के दिन अगर फ्लैट खुला और इसी सपोर्ट के नीचे आने लग गया, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे, इतना क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, अगर समझ लीजिए मंडे के दिन गैप डाउन खुल गया और गैप डाउन खुल के अगर 43,820 के नीचे आ रहा है तो और एक हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 43,820 भी एक बहुत अच्छा खासा लेवल है। मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे जो ग्रीन कलर का जोन ड्रॉ करके रखा हूं ये देखिए, आप खुद देख लीजिए 43,820 से 43,854 क्लियर कट एक सपोर्ट है। ये देखिए यहां से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर गया है, सेकंड टाइम आया अगर देखेंगे दोस्तों इसी के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं टच किया एंड देन अगले दिन गैप अप खुला था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम है। तो ये मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर मंडे के दिन हमारा प्लान पूरी के पूरे सेट है और बढ़िया प्लान काम करने वाला है मंडे के दिन, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक साइडवेज मोमेंट आज के दिन दिया तो मंडे के दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, तो फ्लैट खुला, आज का लो टूटा या फिर 43,940 टूटा तो हम पुट बाय करेंगे, गैप डाउन खुला सपोर्ट 43,820 टूटा तो पुट बाय करेंगे। अब बात करते हैं भाई कॉल का, देखिए कॉल के लिए सच बताओ दोस्तों कोई स्पेस है ही नहीं, एक ही लेवल मिल रहा है कॉल के लिए वो है बहुत ऊपर 44,230, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही
कॉल के तरफ आप कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, मैं अगर मैं आपको समझा दूं आप खुद देख लीजिए। 44,230 का लेवल मैंने क्यों दिया, इसके पीछे सिंपल रीजन है दोस्तों, ट्रेंड लाइन। एक बात अगर ध्यान से देखेंगे, इतना बड़ा सा जो रेड कलर का मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ध्यान से देखेंगे एक बार यहां पे दोस्तों बैंक निफ्टी ने टच किया था, नीचे आया था। सेकंड टाइम देखेंगे यहां पे बैंक निफ्टी ने टच किया, नीचे आया। थर्ड टाइम देखेंगे यहां पे बैंक निफ्टी ने टच किया, नीचे आया। तो सिंपल बात है दोस्तों, आप बोलोगे कि भाई आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि ये ट्रेंड लाइन तो यहां पे टूटेगा, तो 44,060 के ऊपर भी तो आप बोल सकते हो ना, बाय करने के लिए क्या दिक्कत है। मतलब ये ट्रेंड लाइन तो ठीक है, आपका क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो भी करना है। अगर आप देखेंगे ड्रॉइंग खराब हो चुका है मुझे पता है। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे रीजन बेसिकली क्या है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ये ट्रेंड लाइन टूटते ही भाई कॉल बाय करना है, तो होगा क्या कि ये जो आप देख रहे हैं ना रेजिस्टेंस बहुत सारा है, देखिए ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस, ये देखिए आज के दिन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और नीचे भी अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, यानी कि मेरा सीधा सीधा मतलब है दोस्तों भर भर के रेजिस्टेंस हैं। तो जब तक मार्केट गैपअप खुल के 44,230 के ऊपर नहीं जाता, तब तक कंफर्टेबली हम बाय नहीं करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों इतना। 44,980 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है हमारा बैंक निफ्टी, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, 44,900 इसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। ऊपर का जितने भी हमारा कॉल राइटर है दोस्तों जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से ही मेन गेम शुरू होता है, क्योंकि 44,900 के आसपास क्लोज दे रहा है, तो 44,000 से ही कॉल राइटर अटैक करना चालू कर चुके हैं। 16 लाख से ज्यादा कॉल राइटर 44,000 के लेवल पे, 44,100 के लेवल पे अगर देखेंगे दोस्तों 18 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, और 44,200 के लेवल पे अगर देखेंगे 20 लाख से ज्यादा कॉल राइटर। तो ये तीन कहीं ना कहीं लेवल हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। पहला रेजिस्टेंस है 44,000, नीचे की तरफ देखेंगे जो हमारा पुट राइटर है दोस्तों वो 43,900 पे 10 लाख से ज्यादा, और 44,000 पे 22 लाख से ज्यादा। तो 43,900 या फिर 800 के नीचे कहीं ना कहीं पुट राइटर संभाल नहीं पाएंगे, मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि 43,800 पे देखिए 9,50,000। क्लियर हो गया, क्लियर हो चुका है पूरे 44,100 के ऊपर मार्केट अपसाइड, 43,900 या फिर ज्यादा से ज्यादा 800 के नीचे कंफर्म मार्केट डाउनसाइड। अब जल्दी देख लेते हैं निफ्टी आज के दिन, यार निफ्टी कितना लेट हो गया वीडियो हम कहीं ना कहीं करते हुए। तो देखिए निफ्टी का दोस्तों सिंपल व्यू है, अगर मैं बोलूं कि डाउनसाइड की तरफ क्या व्यू है, अगर मंडे के दिन निफ्टी फ्लैट या फिर गैप डाउन खुला और 18,526 के नीचे आने लग गया, देन ओनली हम पुट बाय कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन बताता हूं। देखिए रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप बोलोगे कि आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि आज का डे का लो टूटा, यानी कि 18,555 यहां पे जो लाइक हम करते हैं यूजुअली, अगर देखेंगे कि यार लो अगर टूटा तो डेफिनेटली एक सपोर्ट है और ये टूटते हैं हम ट्रेड ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट अगर देखेंगे दोस्तों बहुत छोटा पॉइंट है, 20 पॉइंट। अब 18,526 ये भी लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि इसके नीचे हम सेल तो कर सकते हैं लेकिन रिस्की रहेगा। इसके पीछे अगर मैं आपको रीजन बता दूं तो रीजन बड़ा सॉलिड है दोस्तों, आप अगर देखेंगे ये क्लियर कट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। तो मैं आपको यही समझा रहा था दोस्तों कि अगर समझ लीजिए निफ्टी गैप डाउन भी खुला ना, तो डेफिनेटली हमें रिस्की रहेगा, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ अगर मैं बोलूं दोस्तों तो निफ्टी बहुत अच्छा खासा बहुत सारा सपोर्ट है, तो एक कॉन्फिडेंटली सेल करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 18,526 से 18,534 अगर देखेंगे कम्प्लीटली ये एक सपोर्ट जोन है जहां से मार्केट ऊपर गया कहीं ना कहीं, ये क्लोजिंग प्राइस था, सेकंड डे मार्केट नीचे आके डॉट इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया, तो ये सारे जोन मैं ऑलरेडी मार्क करके रखा हूं। और सच बताऊं तो निफ्टी में कॉन्फिडेंस ही नहीं है सेल करने के लिए, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा छोटा मिलेगा। 18,525 के नीचे हमने सेल किया, टारगेट 18,500, मतलब 25-25 पॉइंट का ही टारगेट मिल रहा है, क्योंकि नीचे देखिए और एक सपोर्ट है, कितना सारा सपोर्ट है। तो नीचे की तरफ कॉन्फिडेंस नहीं है, बट डेफिनेटली आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, मैं तो लाइव मार्केट में गाइड कर ही लूंगा। अगर बाइंग की हम प्लानिंग करते हैं दोस्तों, तो बाइंग का भी कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर मंडे के दिन समझ लीजिए गैप अप खुल गया, तो आप बोलोगे ट्रेंड तो चेंज हो जाएगा, फिर गैप अप खुलेगा तो बाइंग का ही व्यू बनेगा डेफिनेटली। क्योंकि देखिए सिंपल बात है, निफ्टी को देखेंगे जो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं यूज कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे निफ्टी का ट्रेंड लाइन दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। एक बार टच किया निफ्टी नीचे आया, सेकंड टाइम टच किया निफ्टी नीचे आया, थर्ड टाइम टच किया इसी ट्रेंड लाइन को निफ्टी नीचे आया। तो अगर समझ लीजिए गैप अप भी खुला और इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। लेकिन मेन व्यू कब हमारा बुलिश हो जाएगा, अगर समझ लीजिए 18,635 के ऊपर जाएगा, देन ओनली व्यू बुलिश होगा। क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे एक ऐसे क्रूशियल पॉइंट था आज के दिन, थोड़ा प्राइस एक्शन को नोटिस कीजिए, यहां पे अगर देखेंगे मार्केट कहीं ना कहीं इसी प्लेस के आसपास अच्छा खासा कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस लिया है, वो है 18,635। क्योंकि एक बार यहां से मार्केट नीचे गिरा, दूसरी बार गया, फिर वहां से नीचे गिर गया,
तो ये कंप्लीटली कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा देन ओनली हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, और अगर समझ लीजिए फ्लैट है फिर गैप डाउन खुला तो मुझे लगता है मंडे के दिन वही साइडवेज होने वाला है, इसी के आसपास ऊपर नीचे घूमने वाला है, कोई खास मोमेंटम नहीं देने वाला। 18,560 के आसपास कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी क्लोजिंग दिया है। अब आ चुके निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये कॉल राइटर ये पुट राइटर 18,560 के आसपास इसी के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे अगर आप कॉल राइटर देखोगे दोस्तों ठीक ठाक कॉल राइटर है, 18,600 पे 69 लाख और 18,650 पे दोस्तों 55 लाख और 18,700 पे 71 लाख है। तो ठीक ठाक है आप बोल सकते हैं, मतलब क्यों मैं आप बोल सकते हैं कि मैं इसे बहुत एक्साइटेड होकर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पुट राइटर भी बराबर की लड़ाई के लिए तैयार है। तो मंडे के दिन दोस्तों मेरा व्यू तो साइडवेज है, मैं क्यों आपको कुछ अलग बोलूं, क्योंकि कॉल राइटर डेफिनेटली कॉल अच्छा खासा ऐड करके गए हैं, बट पुट राइटर की अगर बात करूं 18,600 पे 42 लाख से ज्यादा कहना कि पुट राइटर, उसके नीचे देखेंगे 29 लाख, उसके नीचे देखेंगे 13 लाख। तो पुट राइटर भी ठीक ठाक है बट कॉल राइटर उससे ज्यादा है। बट ये टेक्निकली अगर देखेंगे सपोर्ट जोन को देख के मेरा मन, पता नहीं आपको वीडियो से आज का पता चला होगा कि मेरा मन ही नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ट्रेंड पकड़े मंडे के दिन या फिर कुछ खास एक्साइटेड हो, जो होगा मंडे के दिन देखा जाएगा। मेरे हिसाब से तो साइडवेज रहेगा जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता या फिर नीचे की तरफ से पूरा मेन सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं करता, तब तक कोई व्यू हम अभी से तो डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए फिन निफ्टी कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन टूट गया है, याद कीजिए हमने डिस्कस किया था ना ये ट्रेंड लाइन टूट गया, तो यहां से ट्रेंड बियरिश है। आज के दिन भी फिन निफ्टी नीचे ही आया, तो मंडे के लिए अच्छा, उल्टा फिन निफ्टी ट्रेड करने के लिए अच्छा है। मंडे के दिन फ्लैट खुला 19,391 के ब्रेकडाउन किया, डेफिनेटली हम पुट बाय कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन तो कल मैंने बताया था, फिन निफ्टी का ट्रेंड पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे एक बार सपोर्ट लिया ऊपर गया, सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, फोर्थ टाइम में तोड़ दिया ये सपोर्ट को कल के दिन तोड़ दिया। अब फिन निफ्टी देखिए आज के दिन कहीं ना कहीं एक रेंज में ही रहा। तो अगर मंडे के दिन फ्लैट खुला, आज का लाइक डे का लो टूटा 19,300 कहीं ना कहीं 91, देन डेफिनेटली हमें डाउन की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आज का डे का हाई टूटा 19,491 तो ही हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। इस बीच में आपको साइडवेज ही कहीं ना कहीं फिन निफ्टी देखता हुआ मिल सकता है। होप आप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जाइए फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका ख्याल कीजिए। फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन करना मत भूलिए, सैटरडे संडे दो दिन वीडियो आएगा, कल आएगा फिर निफ्टी का एनालिसिस, उसके बाद आएगा निफ्टी का एनालिसिस। तो अपने मम्मी पापा को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।